हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। तो गाइस, आज हम जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में जो स्टडी किया था, एक्सेप्ट विटामिन सी। देखिए, इसमें हमने विटामिन सी को ऐड किया है, इसको छोड़ के सारी ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। सी सिर्फ वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है ना। ये हमने इसमें ऐड की थी क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो थी उसी की ट्रिक बताई थी कि उनके केमिकल नेम्स को कैसे याद किया जाए, ठीक है। इसलिए सी के बारे में मैंने नहीं बताया था, इसलिए इसी में मैंने सी को ऐड कर दिया था। लेकिन ये मान के चलो कि विटामिन जो सी है वो जो है फैट सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर सॉल्युबल है। सी को छोड़ के सारी जितने भी आप देख रहे हो ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। तो इनकी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। तो इनकी जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। कारपेट वर्ड, अब कारपेट शुरू कहाँ से करेंगे लिखना वो देख लो। कार्पेट वर्ड हम सेंटर से ऊपर की तरफ लिखना शुरू करेंगे। कार्पेट सी डी के आगे लिखेंगे हम सी, ठीक है। सी ए आर फिर से नीचे से सी, जैसे सी लिखा ना यहां सी ए आर पी और टी, तो इस हिसाब से जैसे हम सेंटर से अरेंज करें सी ए आर फिर से दोबारा से नीचे लिखें पी टी, कारपेट वर्ड। तो कारपेट याद रखो, जैसे कारपेट होते हैं चटाई मैट, तो उस वर्ड को लेके आप जो है अरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, जो मैंने लिखा है यहाँ पर। तो आर से बना आपका रेटिनोल, ए से बना एस्कॉर्बिक एसिड, सी से बना आपका कॉल्जिफेरॉन, टी से बना आपका टोकोफेरॉन, पी से बना आपका फाइलोक्विनोन, क्या क्या डिसऑर्डर हमें हो सकते हैं। तो रेटिनोल की डेफिशिएंसी की वजह से हमें हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है स्कर्वी, स्कर्वी या उस टाइम ब्लीडिंग ऑफ गम, हमारे जो दांतों से जो गम वगैरह होते हैं ना हमारे यहाँ से ब्लीडिंग वगैरह कई बार हो जाती है। तो और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है रिकेट्स, यानी हड्डियों से रिलेटेड कुछ भी जो प्रॉब्लम होगी वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है, रिकेट्स। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा पैदा करने की क्षमता जो घट जाती है, तो मैं नॉर्मल वर्ड में अगर बोलूं तो आप इनफर्टिलिटी लिख सकते हो। अब लास्ट वजह विटामिन के, जिसको हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। तो फाइलोक्विनोन की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमें प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट, क्लॉटिंग क्लॉटिंग इफेक्ट, ब्लड क्लॉटिंग डिफेक्ट, यानी कि ब्लड में जो क्लॉट्स नहीं जमते, जो प्लेटलेट्स होते हैं ना उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं पाती अगर विटामिन की ए कमी। तो इस हिसाब से आप लोग जो है इन चीजों को याद कर सकते हो, केमिकल जो नेम है इन सभी का याद कर सकते हो। अगर कोई डाउट बचा हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।